Bismillahirrahmanirrahim. I think that first of all, I'd like to compliment my very competent colleague and friend, Senator Javed Abbasi Saab, for doing a very good job as chairman of the Law and Justice Committee in his meeting on 25th. And I would also like to compliment, before that, Senator Mustafa Nawaz Khokhar, who had a meeting on 12th of December of the Human Rights Committee. And interestingly, at both committee meetings, the one held on December 12th of the Human Rights Committee and the one held on 25th of the Law and Justice Committee, the distinguished Minister for Law and of Human Rights, Dr. Shirin Mazari was there. And I would like to compliment Shirin Mazari also that वो बड़े दबंग तरीके से कलमा हक कह रही हैं और वो सही बात फोकस की है ह्यूमन राइट्स के ऊपर. वन मिनिस्टर हु इज रियली स्पीकिंग द ट्रूथ टू पावर. इसमें तीन चीज़ें जो हैं, मिस्टर चेयरमैन, प्लीज डोंट इंटरप्ट, वी आर टॉकिंग टू द चेयर जी. आई थिंक वी शुड लर्न सर्टेन एटिकेट व्हेन स्पीकिंग इन द सेनेट. सो थ्री फैक्ट्स आर वेरी क्लियर. नंबर वन, an illegality has been committed, is continuing to be committed under the auspices of the state of Pakistan. Number two, it's a violation of Article 15, the freedom of movement, which is enshrined in the Constitution. And number three, which is equally important and dangerous, that nobody is willing to take responsibility for this illegality, for this crime against the people of Pakistan. जहाँ तक ताल्लुक है PNIL का, प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, पूरा नाम इसका ये है, प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, PNIL. तो ये बता दें, ये लिस्ट मेंटेन होती रही है और ब्लैक लिस्ट अपनी जगह है, वो अलग है. इसमें किसी एक हुकूमत को मौजूद इलाम लगाना गलत बात होगी. आई थिंक देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा एक स्पेशल कमेटी बने, उसमें जावेद अब्बासी साहब हों, रजा रब्बानी साहब हों, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब अगर हैं वो मौजूद हों, वो इस पर, और आपके लोग भी जो सरकारी सच बोलने वाले वो भी हों, जो कलमा हक कहने वाले हों वो भी हों, सारे मिल के वो बात करें. और वो सर एक स्पेशल, देखो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू, इट स्ट्राइक्स एट द हार्ट ऑफ द सोसाइटी कि किस किस्म की हम स्टेट अपरेटस बन रहे हैं, उसमें इन्वेस्टिगेट किया जाए. कब ये काम शुरू हुआ, कब से चलता रहा, एंड हु टेक्स दोज डिसीशंस. ये तो कोई, हमने स्पाई मूवीज़ में देखा था कोई सीक्रेट ऑपरेटर्स होता है कि उसको यस मिनिस्टर मूवीज़ में देखा था हमने, तो किसी को मालूम नहीं, ना कोई जिम्मेदारी ले रहा है. तो मैं समझता हूँ कि सेनेट ने और सेनेट की क़यादत ने और स्पेशली सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने अंडर योर लीडरशिप सर हैज़ टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट शुड बी टेकन फॉरवर्ड. और शिबली फराज साहब, आप खुद यू आर अ सर्टिफाइड ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट, यू वर टिल यू बिकेम लीडर ऑफ द हाउस, आई एम श्योर यू स्टिल आर. तो आप इसको इंशाल्लाह आगे लेके चलें. ये एक, ये उस तरफ का, ये इस तरफ का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की रियासत का मामला है, पाकिस्तान के आइन का मामला है, पाकिस्तान के अवाम का मामला है, और इसको बहुत सीरियसली लिया जाए. एंड आई वुड डिमांड दैट अ स्पेशल कमेटी बी अपॉइंटेड. एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, ही इज हियर, कि कैबिनेट में भी इशू ये रेज करें और कॉलीग्स रेज करें. और इस इशू पर डॉक्टर शीरिन मज़ारी जो उनके कॉलीग है, उन्होंने बड़ा वाज़े स्टैंड लिया है. उनका ये सारी लिस्ट इलीगल हैं, चाहे वो सो कॉल्ड ब्लैक लिस्ट हो, चाहे वो प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट PNIL हो, और ECL तो है ही आपके सामने. थैंक यू.